ग्रह लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी के ऊपर मैं आज आपको सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसी कहानी सुनाना चाहती हूं कि ग्रह लक्ष्मी अभाव में भी रहकर लक्ष्मी साबित होती है, पूरे परिवार का जैसे तैसे करके पेट भरने की कोशिश करती है तथा एक दिन उसी ग्रह लक्ष्मी के आचार विचार के कारण, उसी ग्रह लक्ष्मी के अच्छे स्वभाव के कारण जो घर एक एक दाने के लिए मोहताज होता है, ग्रह लक्ष्मी की वजह से वही घर धन धान्य से भरपूर होता है तथा उसका नाम गांव में चमक जाता है। इसी पर मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहती हूं जो कि 4-5 पीढ़ियों पहले की बात है और सच्ची बात है। आप मेरी बहन की जो 4 पीढ़ियों पहले दादस लगती थी, उसके पति की जो पड़दादी या सड़दादी थी, तब क्या होता था कि पुराने समय में अकाल पड़ता था, अकाल पड़ता था, सब कुछ बरसात पर निर्भर था, नहरें थी नहीं, सिंचाई का कोई साधन नहीं था क्योंकि चवे का पानी भी इतना नीचे था कि लोगों की सामर्थ्य नहीं थी कि इतना गहरा कुआं खोदकर पानी निकाल सकें। जैसे तैसे करके जब भी बरसात होती, थोड़ा बहुत अन्न होता, उसी में गुजारा करते थे, कभी खाते थे कभी भूखे सोते थे, काम करते थे, काम करते समय यदि उन्हें एक मुट्ठी अनाज मिल जाता उसी को चबाकर ऊपर से पानी पी लेते थे और सोचते थे चलो आज तो जिंदा रहने के लिए परमात्मा ने एक मुट्ठी अनाज तो दिया, इसी में गुजारा हो जाएगा। लेकिन उनकी जो दादस थी 4-5 पीढ़ियों पहले, वो इतनी अच्छी थी कि हमेशा ही जब भी उसके घर में अनाज आता, उसमें से कुछ अनाज मटके में डाल देती जो कि जमीन में गड़े हुए थे, क्योंकि पहले सबके कच्चे घर होते थे, जमीनों में मटके गाड़े हुए होते थे क्योंकि उनके पास कोई अलमारी या कोई ऐसे साधन नहीं थे जहां की अपनी चीजों को सुरक्षित रख सकते थे। वो तो सिर्फ उन्हीं के सहारे जमीन में मटके गाड़ते, उस पर ढक्कन लगाते और उसी में अपने जो अच्छी चीजें थी, संभालने योग्य चीजें थी, एक आधी टूम ठेकरी होती थी या थोड़ा बहुत पैसा होता था उस टाइम पे, चांदी के सिक्के होते थे, उन्हीं को संभाल कर रखती थी। क्योंकि ये तो आज के युग में सब कुछ है लोगों के पास, उन्हें क्या पता कि पिछली पीढ़ियों ने कितना कष्ट सहन करके, कितना सामर्थ्य करके, कितना किफायत करके, भूखा रहकर मेहनत करके उनको यहां तक पहुंचाया है। आज कौन सोचता है इस बात को। लेकिन वो उनकी दादी इतनी किफायती थी, इतनी अच्छी थी कि जो भी अनाज उनके घर में आता उसमें से कुछ अनाज मटके में डालकर रख देती और कहती कि अनाज तो है नहीं, ऐसे ही पानी पी के काम चलाओ या कुछ थोड़ा बहुत खा लो, जैसे कि लोग घास की रोटियां भी खाते थे, लोग पेड़ों से पत्ते उतारते थे, जिस पेड़ की छाल होती थी औरतें उसी पेड़ की छाल को गेहूं में मिलाकर, चने में मिलाकर या बाजरा ज्वार में मिलाकर पीस लेती थी और पीस कर उसी की रोटी बना देती थी और लोग उसी को खाकर तृप्त हो जाते थे तथा अपना काम करते थे। अब जैसे तैसे समय बीतता गया और जो एक अच्छी औरत थी, ग्रह लक्ष्मी थी, ऐसे ही अनाज इकट्ठा करती रही। उसने हर तरह का अनाज अपने मटकों में भर लिया और कई साल के बाद बारिश भी हो गई। अब जो ही बारिश हुई, गांव में
उस बुढ़िया का ससुर मारा मारा फिर रहा था कि किसी के पास कुछ अनाज मिल जाए तो मैं अपने खेत में बो सकूं। लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला, पैसे थे नहीं और बाहर भी कहां से आता। आसपास के शहरों में किसी से जाकर पैदल जाकर पता किया तो उसे कुछ नहीं मिला। अब धरती सूखती जा रही थी क्योंकि बरसात हो चुकी थी और प्रत्येक इंसान घूमता फिर रहा था कि कहीं से कुछ अनाज मिल जाए तो इस जमीन में बोले और हमारा आगे का रास्ता साफ हो जाए ताकि हम अपने बच्चों को खाना खिला सकें। अब बूढ़ा आकर बैठ गया। अब उसने क्या किया, उसके बेटे की पत्नी ने कुछ आटा रखा था उसको पानी में घोलकर अपने ससुर को दे दिया और कहने लगी कि आज क्या बात है, अपने दादा से पूछो ये क्यों ऐसे मुंह लटकाए बैठा है। उसने कहा, बेटी मैं हर जगह घूम के आया हूँ, मुझे अनाज का दाना नहीं मिला। बरसात तो हो चुकी है लेकिन जमीन में बोऊं क्या जब अनाज ही नहीं है। तब उसने कहा, बताओ ससुर जी क्या बोना चाहते हो, मेरे पास सब कुछ है। तब उसने अपने मटके निकाले और चने और गेहूं अपने ससुर को दिए। उसने गांव वालों को भी बुलाया, थोड़ा थोड़ा उनको भी दिया क्योंकि वो इतनी भली और अच्छे स्वभाव की औरत थी कि ये चाहती थी कि सभी के बच्चे खाना खाकर सोएं, कोई मेरे पड़ोस में मेरे गांव में भूखा न सोए। उसने थोड़ा थोड़ा अनाज सभी को दिया और सभी ने गांव में अनाज को बो दिया। अब वो समय है और आज समय है कि वही घर जिसने की एक एक दाना इकट्ठा करके अनाज का बोया था, उसके खेत में इतना अनाज हुआ कि उस दिन के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेहनत करते गए और आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए आगे बढ़ते गए। आज उसी बुढ़िया के पोते पड़ोते सड़ोतों की शहर के अंदर 3.5-4 करोड़ की कोठियां हैं। हर शहर में कोठियां हैं, हर धन धान्य से भरपूर हैं तथा उसकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं विदेशों में पढ़ रही हैं तथा उन्होंने इतनी मेहनत करके इतनी प्रोग्रेस की है, इतनी उन्नति की है कि गांव वाले कहते हैं कि देखो इनको, देखो सुखराम वालों को कि कितनी मेहनत करके कहां पहुंच गए हैं। आज इनकी कोठियां प्रत्येक शहर में हैं। लेकिन वो किसकी वजह से हैं, उस ग्रह लक्ष्मी की वजह से जो कि उनकी खानदान में कई पीढ़ियों पहले पैदा हुई आई थी और उसने अपने समझ बूझ से उस पीढ़ी को ऐसे आगे बढ़ाया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, यदि और चाहे तो एक एक नया पैसा इकट्ठा करके बहुत कुछ कर सकती है और अपने परिवार को धन धान्य से भरपूर कर सकती है जैसे कि उसने किया। मेरा आपसे यही आग्रह है कि प्रत्येक औरत को एक अच्छी गृह लक्ष्मी होना चाहिए, बचत करनी चाहिए, अच्छा स्वभाव रखना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए, किसी से द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, किसी के घर में कलेश नहीं करवाना चाहिए, अपने घर को भी सुखी रखो और दूसरों को भी अच्छी शिक्षा दो। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा गृह लक्ष्मी बनने की कोशिश कीजिए। ओम।